नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माई लिबरलिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अफर्मेशन से भयंकर नुकसान भी होते हैं, ये शायद आपको पता नहीं होगा। बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेशंस, अफर्मेशंस के फ़ायदे, इस पर तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने। लेकिन क्या आपको पता है अफर्मेशन से नुकसान भी होते हैं? लेकिन वो नुकसान कब होते हैं? जब रिपीटेडली नेगेटिव अफर्मेशन आप अपने मन में दोहराते जाते हो, लाइक दिस, मेरे पास पैसा नहीं है, न जाने कैसे खर्च चलेगा, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा सबके पास नहीं आता, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे। नेगेटिव अफर्मेशन, रिपीटेडली नेगेटिव अफर्मेशन आप अपने माइंड में बार बार आने दे रहे हो और उनके साथ एंगेज हो रहे हो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज मुझे वीकनेस लग रही है, पता नहीं तबीयत ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं। नेगेटिव अफर्मेशन, मेरे बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा सब तरफ से नुकसान हो रहा है, पता नहीं कैसे चलेगी लाइफ। नेगेटिव अफर्मेशन, रिपीटेडली नेगेटिव अफर्मेशन, ये अफर्मेशन जीवन को नरक बना देंगे। आपको क्या करना है? तुरंत इन भयंकर होने वाले नुकसानों से बच जाएं। अवेयरनेस के साथ देखें अपने मन को कि क्या चल रहा है उसमें, झांकें उसके अंदर, कौन सी बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चेक करें खुद ईमानदारी से, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अपने आप से पूछें, यार 24 घंटे में क्या सोचता रहता हूँ, ईमानदारी से पूछें। मैं फ़ायदे की बात सोचता हूँ या नुकसान की बात सोचता हूँ? तो मालूम पड़ेगा नुकसान की सोच रहे हैं। हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ या बीमारियों के बारे में सोच रहा हूँ? पता चलेगा बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं। पैसा आने के बारे में सोच रहा या नहीं होने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं होने के बारे में सोचते रहते। शिकायतों के बारे में सोच रहे या धन्यवाद से भरे हुए हैं? लोगों के प्रति प्रेम फूट रहा है मन में या नफरत पैदा हो रही है? उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, अब उससे मैं ऐसे रिवेंज लूँगा, अब मैं उसे यहाँ नीचा दिखाऊँगा, उसका ईगो तो मैं तोड़ के रख दूँगा, ये सब चल रहा है? या फिर आप थैंकफुल हो, अरे यार उसने कितनी मदद करी, क्या टेस्टी फूड खिलाया था, कितनी स्माइल देकर बात करी थी। पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव रिलेशंस के बारे में? जैसे आप सोच रहे हो, आपका सोचना ही तो अफर्मेशन है। अफर्मेशन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बोलना ही है या सुनना है, सोचना भी अफर्मेशन है। सोचना भी तो वो सूचनाएं है ना जो आप अपने मन को लगातार देते चले जा रहे हो। नेगेटिव सूचनाएं दे रहे हो तो इसके ज़बरदस्त नेगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी रहना, प्रिपेयर रहना आप, क्योंकि नकारात्मक घटनाओं को इन्विटेशन आप ही दे रहे हो, आप ही उन्हें बुला रहे हो अपनी तरफ। आ बैल मुझे मार, खुद ही लाल कपड़ा दिखा रहे हो। फिर जब बैल मारेगा ना, फिर बड़ा पछताओगे आप। बोलोगे हमने तो वीडियो भी देखे थे, हमने तो अफर्मेशन भी बोली थी और कुछ नहीं हुआ। अफर्मेशन तो आपने एक वीडियो देखा और फिर 2-4 सेकंड के लिए बोल ली, या 2-4 मिनट दोहरा लिया उसको, या दिन में 2-4 बार बोल लिया और आप सोचते हो काम ख़त्म हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी समय आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में उलझे रहे, है ना? तो मेजर पार्ट जो टाइम का था वो आपने नेगेटिव थिंकिंग में स्पेंड कर दिया, नकारात्मक सोच में खर्च कर दिया, रिजल्ट भी नकारात्मक आएंगे। भयंकर दुष्परिणामों से अफर्मेशन के अगर आप बचना चाहते हो तो आप अपने मन को झांकते रहो, उसमें देखते रहो, उसे देखो हमेशा, ऑब्जर्व करोगे क्या चल रहा है मेरे मन में। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप उसे रीप्रोग्राम भी कर सकते हो अच्छी अच्छी अफर्मेशन डालकर। इसका ख्याल रखना आप, आज से और अभी से अच्छे कामों के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत ऑब्जर्व करो अपने माइंड को, 24 घंटे ऑब्जर्व करो अपने माइंड को, बाद में ये ऑब्जर्वेशन आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, और फिर आपको जीवन में मुश्किलों का ना के बराबर सामना करना पड़ेगा। जिंदगी बदलना बहुत आसान है, लेकिन तब जब आपको यकीन हो कि हाँ ये सचमुच आसान था।
चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं आपके वीडियो नहीं आते, दिखाई नहीं देते, तो आप नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दो जो बेल आइकॉन है, तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इमीडिएट कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। तो बस इसी तरह से आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। मन और ध्यान हर समस्या का समाधान, ये किताब ज़रूर ख़रीदना, ये बहुत मेहनत से लिखी है मैंने, इसमें 50 विधियाँ हैं मेडिटेशन की भी और माइंड प्रोग्रामिंग की। जिन जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी, उन्हें काफ़ी लाभ पहुँचे। आप इस पुस्तक को अपने लिए ख़रीद सकते हैं, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को ये बेशकीमती उपहार दे सकते हैं ताकि उनका जीवन भी बदल सके। इस पुस्तक से होने वाली सारी कमाई हमारे मुफ्त भोजन उपक्रम में खर्च करी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बेशकीमती समय मुझे देते हैं।